अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कीमा आर्टिकल मार्कअप। ये वाला स्कीमा जो है, इसे वेब पेज भी कुछ लोग कहते हैं, ये काफ़ी हद तक सेम है। तो ये होता है, योस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं, ऑल इन वन स्कीमा बाय ब्रेनस्टॉर्म। ये देखें, ब्रेनस्टॉर्म फोर्स वालों का ये प्लगइन है, इसे आप एक्टिवेट कर लें। उसके बाद आपने जाना है न्यू पेज पे, या पोस्ट पे, उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल की इमेज होगी, इमेज का लिंक आप ले सकते हैं अपनी गैलरी से। ये जो आपके आर्टिकल की फीचर्ड इमेज होगी, वो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे आर्टिकल का नाम, ये उसकी डिस्क्रिप्शन, ये ऑथर का नेम, ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट का नेम हो सकता है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लोगो, इस तरह का इंटरफेस है इसका। ये आर्टिकल का नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर वगैरह। अब हम इसे चेक करेंगे गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल में, ताकि इसमें कोई एरर या इशू वगैरह तो नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये है, ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। जो भी हमने इसके अंदर ऐड किया था बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, और इसके अंदर कोई एरर वारिंग नहीं। तो ये ज़्यादातर यूज़फुल होता है अगर आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज़ के अंदर अप्रूव्ड हुई हो। तो उसके अलावा वैसे इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है उसके लिए। दूसरा जो नॉर्मल यूज़ होता है, वो वेब पेज होता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, दूसरी वीडियोस भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।